जय माता दी। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आज मैं जा रहा हूँ ज्वालपा देवी। यह माता का एक शक्तिपीठ है जो कि बसा है सतपुली और पौड़ी के बीच में, सतपुली से लगभग 20 किलोमीटर आगे। जिन लोगों को सतपुली नहीं पता उन्हें बता दूं कि कोटद्वार से जो बद्रीनाथ हाईवे जाता है उसी रास्ते पर लगभग 50 किलोमीटर पर आता है सतपुली। काफी प्रसिद्ध है यह शक्तिपीठ और आपने भी इसके बारे में जरूर सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना या जो लोग यहाँ नहीं जा रखे उनके लिए इस वीडियो में थोड़ी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। माता का यह स्थान भी पहुंचने के लिए बहुत आसान है। सड़क से बस 250 मीटर नीचे सीढ़ियों से उतरकर आ जाता है माता का प्रांगण। चल चल के बजाइए नीचे नीचे, नीचे। मैं तभी तो रुक गई चप्पल के चक्कर में, यहाँ तो पूरा अधिकतर मंदिरों की तरह यहाँ पर भी प्रसाद और छोटे मोटे सामानों की दुकानें हैं। प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसे इस मंदिर परिसर में जाने पर सबसे पहले होते हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दर्शन, फिर बजरंग बली के दर्शन करते हुए पहुँचते हैं मुख्य मंदिर। माता के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पर है शिवालय, शनि मंदिर और शिव परिवार का मंदिर। थोड़ा बाहर आकर है महाकाली का मंदिर। यहाँ पर दर्शन करने का महत्व और भी बढ़ जाता है अगर दर्शन करने से पहले मंदिर के पास बहने वाली नदी में स्नान कर लें तो। मेरे पीछे जो ये नदी देख रहे हैं ये है नयार, पुराणों में इसका नाम है नवालका और ये निकलती है दूधातोली रेंज से, दूधातोली पर्वत रेंज है वहाँ से निकलती है। दो नयार निकलती हैं वहाँ से, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार। ये पश्चिमी नयार है और इसी नयार के किनारे बसा हुआ है ज्वालपा देवी का ये शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का इतिहास जो है वो स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जो दानवराज पुलोम थे उनकी एक पुत्री थी पुलोमा, जिनको कि हम सची के नाम से भी जानते हैं। तो वो जब एक बार हिमालय में भ्रमण कर रही थी तो उन्होंने देवराज इंद्र को देखा। देवराज इंद्र को देखते ही उन्हें प्रेम हो गया। तो अब वो असुर पुत्री एक देवता, वो भी देवताओं के राजा से कैसे विवाह करे, तो इसलिए उन्होंने देवी माता पार्वती माँ की तपस्या की इसी जगह पर। तो यहाँ पर माता ने उन्हें ज्वाला के रूप में दर्शन दिए और इंद्राणी बनने का वरदान दिया। इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी बनने का वरदान दिया। तो यही है यहाँ का महात्म्य। ये जगह भी एक अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ शादी करने से स्वयं पार्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जहाँ माता का मंदिर होता है तो पास में ही भैरव का मंदिर भी अवश्य होता है।
यहाँ पर भी बटुक भैरव का मंदिर माता के मंदिर से थोड़ा ऊपर चढ़कर ही है। माता के साथ भैरव दर्शन करना भी आवश्यक होता है, वरना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। वीडियो समाप्त करने से पहले आपके लिए मेरे पास एक संदेश है। अगर आप में से कोई मेरे साथ उत्तराखंड घूमना चाहता हो तो आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी यात्राओं की जानकारी मैं इंस्टाग्राम पर देता रहूंगा। अगर आप इच्छुक हों तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि यात्रा अपने पैरों से करनी होगी, खच्चरों या हेलीकॉप्टर से नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली यात्रा में। तब तक के लिए जय माता दी।